तुम मुझे ये सब अब क्यों बता रहे हो? सबसे पहले मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। आप मुझे एक बहुत ही गैर जिम्मेदार और लालची लड़का समझते थे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आपकी दौलत की वजह से सारा में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं सचमुच में उसको चाहता था और वो मुझे भी। मुझे तुम्हारे जज्बात में कोई इंटरेस्ट नहीं, काम की बात करो, मेरा वक्त जाया मत करो। शाजमा के आने के बाद आपके और सारा के दरमियान बहुत सारी तलियां और बदगुमानियां पैदा हो गई थी, क्योंकि मुझे बताती रहती थी शाजमा से जान छुड़ाने का एक वाहिद दल उसके नजदीक यही था कि उससे फौरी शादी कर ले। इस सिलसिले में मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, जो कि आप जानते ही हैं, लेकिन मेरे डैड और आपके दरमियान दोनों के बीच में कुछ इख्तलाफात हो गए। जस्ट वेस्टिंग माय टाइम, मतलब की बात करो। सर, शाजमा ने वली को लाखों की रिश्वत देकर अपने साथ मिलाया था, पूरी कोशिश की है उसने आपको सारा से बदगुमान करने की, और उल्टा इल्जाम सारा पे डाल दिया कि उसने वली को 5 लाख देकर शाजमा को बदनाम करने की प्लानिंग की थी। क्या सर, आपको याद है वो दिन जिस दिन सारा के नंबर पर वली की कॉल आई थी अचानक से, और पुलिस स्टेशन पे सारा इल्जाम सारा पे डाल देना? आपकी बेटी थी सर, आपने सोच भी कैसे लिया कि वो इतनी क्रिमिनल माइंडेड हो सकती है? तुम मुझे ये सब अब क्यों बता रहे हो? पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कई बार आपसे मिलने की कोशिश की थी, आपके घर भी चक्कर लगाया, जहीन ने मुझे दरवाजे से ही धुतकार कर वापस भेज दिया। सर, वो जहीन ना पहले दिन से ही सारा में इंटरेस्टेड था। He trapped her for his own sake. मुझे तो पहले ही अंदाजा था उसकी सारा के लिए फीलिंग्स का, मगर सारा मासूम, हर किसी पे आंखें बंद करके एतबार करना उसकी आदत थी। उसको तो अंदाजा भी नहीं था कि जहीन दिल ही दिल में उसको चाहता है और उसको पाने की ख्वाहिश रखता है। बहुत ही इंटेलिजेंट और मक्कार लड़का था सर, बस एक मौके की तलाश में था, और सारा की बेवकूफी ने उसको मौका फराहम कर दिया। पता नहीं कैसे और किस हाल में रह रही होगी उस थर्ड क्लास माहौल में। हाउ कैन शी सर्वाइव सर? काश आप उसको माफ कर देते, वो इतनी बड़ी सजा की मुस्तैक नहीं थी। उसने जो कुछ किया बहाद से जान छुड़ाने के लिए किया था, और इस बात का सबसे बड़ा गवाह मैं खुद हूं। तुम शाजमा और वहाज के बारे में क्या जानते हो? सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर आप वहाज से सारा का रिश्ता ना तय करवाते तो सारा इतना बड़ा कदम उठाने में मजबूर ना होती। और सर, एक और बात, शाजमा सारा और बहाज की शादी पे सख्त खिलाफ थी। जब आपने दोनों का रिश्ता तय करवाया था तब शाजमा ने मुझे कॉल करके सारा से कोर्ट मैरिज करने पर उकसाया। उसने मुझे कहा कि ये सबसे अच्छा मौका है रूमी, अगर तुम सारा से सच्ची मोहब्बत करते हो तो उसे घर से भगाकर कोर्ट मैच करने पर मजबूर करो। तो तुमसे शाजमा ने कहा था कि तुम सारा के साथ कोर्ट मैरिज कर लो? जी अंकल, बिल्कुल, मेरी इतनी हिम्मत कभी ना हुई। शाजमा ने तुमसे ये भी कहा था मेरा साथ देगी, और आपको मनाने का भी वादा किया था, कि मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि वो सारा के साथ कभी मुखलिस ही नहीं थी, बस उसको बदनाम करना चाहती थी, आपकी और सारी दुनिया की नजरों में उसको गिराना चाहती थी। मगर मैं बेवकूफ उसकी बातों में आ गया, सिर्फ इसलिए उसकी बात से शादी न, मैंने सारा को कोर्ट मैरिज करने पर राजी कर दिया। तो
जिस दिन वो घर छोड़कर आ रही थी मेरे पास, उस दिन बदकिस्मती से ज़हीन उसके साथ था। मैं अपनी माँ को सारा से निकाह करने के लिए राजी करने पर कुछ ऐसी बातें कह गया जो सारा ने सुन ली और मुझे छोड़ के ज़हीन के पास चली गई। सर, ज़हीन ने उस बात का भरपूर फायदा उठा के सारा से कोर्ट मैरिज कर ली। ओ पुअर सारा, want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.